स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मैंग्रोव्स, वेटलैंड, कोरल रीफ्स, जो MSc फोर्थ सेमेस्टर पेपर सेकंड और यूनिट फोर्थ से लिया गया है। मैंग्रोव्स क्या है? मैंग्रोव्स एक प्रकार का दुर्लभ वनस्पतियों का कलेक्शन है या संग्रह है, जो सॉल्ट वाटर या खारे पानी को सहन करने की इनमें क्षमता होती है। इनका निर्माण मुख्यतः नदियों से बहकर आए गए मलबे के जमाव के कारण समुद्र के तटों पर इनका निर्माण हो जाता है, और इस क्षेत्र में बहुत सी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार के पक्षियां यहाँ मिलेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स मिलेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स मिलेंगे, तो यह क्षेत्र जो है हमारे इकोसिस्टम या इकोलॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक स्टडी या एजुकेशन के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। मैंग्रोव्स में मुख्यतः श्रब और वृक्ष आते हैं, जिसमें राइजोफोरिएसी, लाइथेरेसी, कॉम्ब्रेटेसी इत्यादि इसके फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं। ये एरिया दलदली होता है, और ऐसे पौधे इनमें पाए जाते हैं जो इस दलदली क्षेत्रों में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। द टर्म मैंग्रोव्स ऑल्सो अप्लाइड टू थिकनेस एंड फॉरेस्ट ऑफ सच प्लांट्स रेस्पिरेटरी नी रूट्स न्यूमेटोफोर्स। मैंग्रोव्स में मुख्यतः तने को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कि इसमें ऊपरी भाग में जो स्टेम है, स्टेम के ऊपरी भाग में बहुत सी जड़ें निकलकर नीचे की ओर झुक जाती हैं, और मुख्य तने से दूर फैलते हुए जो भी कचरा होता है उसे वो जकड़ के रख लेती है। दूसरा, ये हॉरिजॉन्टली या सम स्तर पर या हॉरिजॉन्टली इनका निर्माण होता है, और जिस तरह से घुटने मुड़े हुए होते हैं उसी के समान ये जड़ें जो है ऊपर नीचे की ओर निकली हुई होती है। तीसरे स्तर का हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के स्तर में जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की ओर निकली हुई रहती हैं, जिसमें बहुत से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और कांटे के समान या फिर अपेंडिजेस के समान ये ऊपर की ओर निकलते हैं, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड का बहिष्कार कर सके। तो इस ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए जो जड़ ऊपर की ओर निकल जाती हैं उनको ही हम न्यूमेटोफोर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैंग्रोव्स जो है मुख्यतः वेटलैंड या आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है, मतलब हमेशा यहाँ पर गीला या फिर कीचड़ या दलदली युक्त सेलाइन वाटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इनका इकोसिस्टम जो है एक विशिष्टता लिए हुए होता है। इनका इकोसिस्टम, इसमें बहुत सारे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एक्वेटिक फौना, फ्लोरा इत्यादि इनमें पाए जाते हैं, और ये बहुत सारे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के घर भी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैंग्रोव्स फॉरेस्ट। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट, जैसे कि पहले मैं बताई हूँ कि इस फॉरेस्ट में जैव विविधता, बहुत अधिक जैव विविधता हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल दिए गए हैं जो हमारे भारत में पाया जाता है। फर्स्ट है सुंदरवन मैंग्रोव, मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं सुंदरवन मैंग्रोव्स में, जो वेस्ट बंगाल में है, और यूनेस्को के आधार पर इसे लार्जेस्ट मैंग्रोव रीजन कहा जाता है। और ये जो सुंदरवन है, ये सुंदरवन में नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व पार्क भी बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं भैतरणिका मैंग्रोव्स, जो उड़ीसा में है।
यूनेस्को के आधार पर इसे सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट के अंतर्गत रखा गया है। ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो दो रिवर के डेल्टा से बनता है। एक है ब्रह्मानी और बैतरणी नदी के डेल्टाओं से ये बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पे गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव्स जो आंध्र प्रदेश में हैं, गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव्स जो आंध्र प्रदेश में हैं, और ये मुख्यतः दो नदियाँ गोदावरी और कृष्णा नदी के नदी के डेल्टाओं से इनका निर्माण होता है। इसके बाद आते हैं पिचावरम मैंग्रोव्स तमिलनाडु, तमिलनाडु का पिचावरम मैंग्रोव्स। ये पिचावरम मैंग्रोव्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव है इंडिया का जो तमिलनाडु में प्रेजेंट है, तमिलनाडु में मौजूद है। इसमें बहुत से एक्वेटिक बर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं भरतंग आइलैंड मैंग्रोव्स जो अंडमान में है। भरतंग आइलैंड मैंग्रोव्स जो है वो बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल हमको दिखाई देता है क्योंकि इसमें बहुत से वैरायटीज़ प्रेजेंट होते हैं इस वजह से। और ये अंडमान एवं निकोबार आइलैंड में प्रेजेंट है और मुख्यतः यह पोर्ट ब्लेयर कैपिटल सिटी में ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैंग्रोव्स का कंजर्वेशन हमें क्यों चाहिए। मैंग्रोव्स का कंजर्वेशन हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जैव विविधता है उसे हम बचा सकें ताकि इकोसिस्टम जो है वो संतुलित अवस्था में चल सके। इसमें दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट लॉन्च मैंग्रोव कंजर्वेशन प्रोग्राम इन 1987। एक मैंग्रोव कंजर्वेशन प्रोग्राम करवाया गया था 1987 में जिसमें टोटल 38 मैंग्रोव्स को इंडिया के इसके अंतर्गत रखा गया था। ये मैंग्रोव जो है वो मेनली इसका एक स्पेशल या स्पेसिफिक या यूनिक इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी के कारण इनको अलग रखा गया है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक्शन प्लान अंडरटेकिंग एक्टिविटीज़ लाइक राइजिंग मैंग्रोव प्लांटेशन प्रोटेक्शन कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट सैलिटेशन कंट्रोल पॉल्यूशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सस्टेनेबल रिसोर्सेज एजुकेशन अवेयरनेस इन सारी चीज़ों के लिए मैंग्रोव्स कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें उसमें प्लांटेशन करना चाहिए, उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए। और साथ ही ये जो है रिसोर्सेज प्रदान करता है एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए इत्यादि। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमको मैंग्रोव्स को संरक्षित करके रखना चाहिए। हम देखते हैं फर्स्ट दे आर नेचुरल कोस्टलैंड डिफेंस। ये एक डिफेंस की भांति काम करता है, एक रक्षात्मक तंत्र की भांति काम करता है। किस प्रकार से रक्षात्मक तंत्र, चूँकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इनका जड़ जो है मलबे में बहुत मजबूती से स्थित रहता है तो ये स्ट्रॉम है फ्लूड्स है इन सब से उसके आसपास के क्षेत्रों में जो प्रजातियां मौजूद है या फिर जो लोग मौजूद हैं उनकी ये रक्षा करने का काम करता है। इन 2017 UN ओशियन कॉन्फ्रेंस एस्टिमेटेड नियरली 2.4 मिलियन पीपल within 100 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट। मतलब उसमें ये कहा गया था कि 100 किलोमीटर के दायरे में 2.4 मिलियन लोग जो है वो निवास करते हैं और जो किसी ना किसी रूप में इस फॉरेस्ट से डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है दे आर कार्बन सिंक। कोस्टल फॉरेस्ट हेल्प द फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फियर मोस्ट ऑफ विच इज स्टोर विद इन द प्लांट। मेन मैंग्रोव्स व्हेन मैंग्रोव्स ट्री रूट
branches and leaves die, they are usually covered by soil, which is when submerged under the tidal water, slowing and breakdown of material and boosting carbon storage. जैसे कि कार्बन सिंक का ये कार्य करता है, तो जितने भी मतलब पत्तियाँ अगर गिर जाती हैं या वृक्षों पेड़ पौधे मर जाते हैं किसी प्रकार के, उस क्षेत्र में उपस्थित जो बायोडाइवर्सिटी में से जीव जंतु जो है वो मर जाते हैं, तो वो सॉइल उसे कवर कर लेता है और ये एरिया जो है हाई कार्बन रिच एरिया प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दे प्रोवाइड लाइवलीहुड। जैसा कि मैं पहले ही बताई हूँ कि 2.4 मिलियन लोग जो है 100 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं, तो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग होने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उपयोगिता जो रखते हैं, वो सभी हमको जंगलों से, इन्हीं प्रकार के फॉरेस्ट से प्राप्त होता है, अतः इनका संरक्षण जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है एनकरेज इकोटूरिज्म। इकोटूरिज्म मीन्स इस क्षेत्र में एक स्पेसिफिक या यूनिक इकोसिस्टम मौजूद होता है, जिसमें बहुत सारे फिशेस, बटरफ्लाइज इत्यादि मौजूद होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, तो ये जो है टूरिज्म का क्षेत्र बन गया है, जिसमें लोग बाहर से आकर इस जगह घूमने का स्थान बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट, दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। इस जगह पर बहुत से बायो मतलब ऑर्गेनिज़म्स मौजूद होते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे कि एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ट्रीज है जो दलदल में धंसे हुए रहते हैं, और इनकी खूबसूरती या वैरायटी जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है, और इस जगह पर बहुत अधिक मात्रा में डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलेगा, और निश्चित रूप से यह एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या एक्सपेरिमेंट के फील्ड में ये बहुत अधिक आवश्यकता रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैंग्रोव्स के पौधे के लिए कौन क्या क्या चीज़ें आवश्यक होता है। इसमें मैंग्रोव्स के उत्थान के लिए, मैंग्रोव्स के कंजर्वेशन के लिए, मैंग्रोव्स को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मूल आवश्यकता क्या है, तो फर्स्ट इसमें उष्णकटिबंधीय तापमान होना ज़रूरी है। मैंग्रोव्स में महीन बलुआ मिट्टी होनी ज़रूरी है, चिकनी मिट्टी, जिसे ऑर्गेनिक मैटर जिसमें प्रेजेंट होता है, सिल्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, मड या कीचड़ युक्त ज़मीन में ये पलप पाते हैं। सुरक्षित समुद्र तल होना चाहिए, समुद्र तल मतलब जिस तरह से ज्वार का वेग आते हुए मुहाना बनाता है और एक डेल्टा का निर्माण होता है, तो वो भी सुरक्षित होनी चाहिए। बृहद ज्वारीय परिसर होने चाहिए, मतलब इस जगह पर जिस ज्वारीय ज्वार का आना मैंग्रोव के विकास के लिए सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट ये बता सकते हैं कि इस जगह पर खारे पानी को सहन करने वाले स्पीसीज मौजूद होते हैं, इस वजह से इस जगह पे बहुत अधिक मात्रा में विविधता हमको देखने को मिलती है। उसी प्रकार से इनमें मैंग्रोव्स, भारतीय मैंग्रोव जो होता है तीनों दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ रहता है, और जैसे कि भारतीय समुद्र तटीय रेखा पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से गुजरता से गुजरात, कोंकण, मालाबार से होते हुए कन्याकुमारी और ऊपर की ओर से घूमते हुए कोरमंडल और फिर बंगाल में सुंदरबन को पार करते हुए बांग्लादेश की सीमा से मिलती है, और लगभग 5,500 किलोमीटर लंबी क्षेत्र में ये होती है। उसी प्रकार से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी मिलाकर समुद्र तटीय रेखा 6,083 किलोमीटर का क्षेत्र जो है मैंग्रोव का होता है।
इसी प्रकार से समुद्र तटीय रेखा 400 किलोमीटर लंबे मैंग्रोव बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीपों समूह में अलग अलग स्थानों में इस प्रकार के मैंग्रोव्स हमको देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे बहुत अधिक जलवायु संतुलन इस जगह पे क्रियाशील होता है। उसे बनाए रखने के लिए मैंग्रोव्स में बहुत अधिक हमको खूबियों को देखने को भी मिलता है और इनका संरक्षण जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मानव अपने हित में ही इसे संरक्षित करके रखने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कोरल रीफ्स, जिसे हम कहते हैं प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्तियाँ क्या है? ये भी एक जैव विविधता का उदाहरण है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इस जगह पर और ये दोनों जो कलरफुल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कोरल रीफ्स हैं या प्रवाल भित्तियाँ हैं जो समुद्र तल पर बना हुआ है। मुख्यतः कोरल भित्ति का निर्माण किस प्रकार से होगा? कोरल रीफ्स मौंड ऑफ लाइमस्टोन, द अपर सरफेस ऑफ विच नियर द सरफेस ऑफ द सी एंड विच इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म चीफली कोरल्स। समुद्र तल के भीतर स्थित चट्टान जो प्रवाल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव से इनका निर्माण होता है और ये कोरल मतलब ये एक जीवों की या ऑर्गेनिजम्स का एक कम्युनिटी बना लेते हैं। ये जो प्रवाल भित्तियाँ हैं या कोरल रीफ्स हैं सामान्यतः उष्ण एवं उथले जो सागर होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अनेक उष्ण उपोष्ण देशी महाद्वीप में ये बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स मुख्यतः बिलोंग करते हैं एंथोजोआ जो स्टोनी कोरल्स का निर्माण करते हैं, मेड्रेपोरेरिया इत्यादि। उसके साथ ही साथ इसमें जो कोरल रीफ्स जो होते हैं उनमें लाइम स्टोन भी प्रेजेंट होता है, लाइम भी प्रेजेंट मतलब की आवश्यकता होती है इनमें। साथ ही इसमें और भी जैसे कंपोनेंट इनमें आके मिलते हैं, जैसे कि मिलियोपोरा के, ट्यूबिपोरा के, हेलियोपोरा के, एक्लायोपोरा इत्यादि जो है कोरल रीफ्स का निर्माण में सहायक होते हैं। और साथ में इसमें कुछ एल्गी भी होते हैं जो इनके निर्माण में इनके ब्रांचेस जो है वो कोरल्स के जमाव के कारण कोरल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये मुख्यतः एनिमोन के, सी आर्चिन के, स्टार फिशेस, क्रैप्स, स्नेल्स इत्यादि के ये घर भी होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोरल रीफ्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। कोरल रीफ्स मुख्यतः अर्थ क्रस्ट के ऊपर मतलब समुद्री तल में प्रेजेंट होता है, वहीं पे इनका निर्माण होता है। कैरेबियन सी, इंडो पैसिफिक रीजन में जो प्रेजेंट होता है, अफ्रीका, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं, इंडिया में पोर्ट ओखा एंड द्वारका, इन द गल्फ ऑफ कच्छ की खाड़ी में द्वारका एंड ओखा जो है वो कोरल रीफ है। उसी प्रकार से रामेश्वरम, गल्फ ऑफ मुन्नार की खाड़ी में इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोरल रीफ्स मौजूद है। उसी प्रकार से कोरल रीफ्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड में मौजूद है। द कोरल रीफ्स ग्रो बेस्ट डेप्थ ऑफ अबाउट 30 meters और लेस आर नॉर्मली इन वार्म वाटर अप टू 20 degrees centigrade।
कोरल रीफ्स जो है 30 मीटर गहरे पानी में मौजूद होता है और इसके निर्माण के लिए तापमान की आवश्यकता होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इससे अधिक तापमान मिलता है तो उस समय पर कोरल रीफ्स का निर्माण नहीं हो पाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस समय यदि डार्क स्थिति होती है, यदि वो क्षेत्र जो है अगर डार्क होता है या लाइट नहीं पहुंच पाता, तब भी कोरल रीफ का निर्माण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, कोरल रीफ का फॉर्मेशन। कोरल रीफ का फॉर्मेशन जो है, कौन कौन से कोरल रीफ्स होते हैं या प्रवाल भित्तियां जो होती हैं वो पाई जाती हैं। फर्स्ट टाइप है फ्रिंगिंग रीफ। फ्रिंगिंग रीफ को हम कहते हैं तटीय प्रवाल भित्तियाँ। तटीय प्रवाल भित्तियाँ समुद्र तट पर पाई जाती हैं और एक स्टेज के रूप में ज्वार के समय ये दिखाई देती है, मंच के रूप में ये दिखाई देती है। ये नैरो होता है, श्वेलो लेगून होता है। और नेक्स्ट आते हैं हम बैरियर रीफ में। नेक्स्ट हम बैरियर रीफ कहते हैं जिसे, या प्रबोध प्रवाल रोधिकाएँ हैं। इस प्रकार की जो रीफ्स होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं, ये समुद्र तट से हटकर थोड़ी दूरी बनाते हुए तिरछे लैगून में इनका निर्माण होता है। और कहीं कहीं पर जो लैगून होते हैं वो गहरे हो जाते हैं, जो मुख्यतः बंदरगाह का निर्माण करते हैं। प्रशांत महासागर सागर में पाए जाने वाले अनेक ज्वालामुखी द्वीपों में इस प्रकार की भित्तियाँ जो है हमको दिखाई देती है। ग्रेट बैरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस बैरियर रीफ इन द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे वर्ल्ड में जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है संसार का। नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉल्स। एटॉल्स एक ऐसा प्रवाल भित्ति है जो रिंग के रूप में इनका निर्माण होता है। ये भी समुद्र तट पर इनका निर्माण होगा और इनके बीच बीच में, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यू इनका निर्माण नहीं होता है, बीच बीच में ये गैप कर करके इनका निर्माण होगा जिसके अंदर से हम प्रवेश कर सकते हैं। ये जो लैगून्स होते हैं ये एक फ्रिंगिंग रीफ के द्वारा सराउंडेड रहते हैं, फ्रिंगिंग रीफ के द्वारा ये घिरे हुए रहते हैं, इन्हीं के द्वारा इनका फॉर्मेशन भी हो सकता है। और ये कभी कभी जो समुद्र में जो वेल्केनोस आते हैं या भू हलचल होता है उनके उनके ऊपर भी, टॉप में भी इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डायग्राम। यहाँ पे फर्स्ट बताया गया फ्रिंगिंग रीफ का निर्माण हुआ है जो समुद्र तट पर या समुद्र सतह पर इनका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैरियर रीफ जो समुद्र तट से हटकर इनका, समुद्र तट सतह से हटकर इनका फॉर्मेशन हुआ है, बीच में एक इस प्रकार से गैप दिया हुआ है यहाँ पर, जो बैरियर रीफ और समुद्र तट को अलग अलग किया हुआ है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये जो रीफ है, ये लैगून है, समुद्र तल पर ही ये बना हुआ है, लेकिन हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो गैप्स दिए हुए हैं जिसके अंदर जो है वो आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। तो इस रीफ्स को हम अडल रीफ कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन रीफ का फॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से होगा। इनका फॉर्मेशन मुख्यतः दो विधियों के द्वारा होता है। एक होता है डार्विन्स सबसिडेंस थ्योरी और दूसरा होता है डिलेस ग्लेशियल थ्योरी। फर्स्ट है डार्विन्स ग्लेशियल थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट दैट कोरल रीफ्स वर फर्स्ट फॉर्म्ड एज फ्रिंगर रीफ्स। इसमें सबसे फर्स्ट फ्रिंगर रीफ का फॉर्मेशन होगा और धीरे 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 ये जो है वो इनमें परिवर्तन होने के पश्चात, श्रिंकिंग होने के पश्चात ये रीफ्स जो है परिवर्तित होता चला जाएगा। और दो प्रकारों के जो रीफ बताए गए हैं, बैरियर रीफ और अडल रीफ, उनका फॉर्मेशन
होता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो प्रवाल भित्तियाँ होती है ये मुख्यतः चारों तरफ से ज्वालामुखी के द्वारा मतलब द्वीपों के द्वारा वो घिरा हुआ रहता है। धीरे धीरे ये धंसना प्रारंभ कर देते हैं और जैसे जैसे द्वीप नीचे धंसा चला जाता है वैसे वैसे प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं वो ऊपर उठती चली जाती हैं और इस प्रकार से इनके कंटिन्यूस कटाव के कारण ये समुद्र की गहराई में चले जाते हैं और उस जगह पे विलीन हो जाते हैं और तटीय प्रवाल भित्तियों का निर्माण होती है, फ्रिंगिंग रीफ का निर्माण होता है। अब ये हो गया डार्विन सबसिडेंस थ्योरी। नेक्स्ट है डिले ग्लेशियल थ्योरी। इस थ्योरी के आधार पर जो ओशियन लेवल है 60 से 70 मीटर बिलो ये सरफेस जो प्रेजेंट होता है इसमें हिमानियों से बनने के कारण समुद्र सतह के ये जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो आइसबर्ग है वो आइसबर्ग समुद्र तट में नीचे की ओर चले जाते हैं, समुद्र सतह तक गिर जाते हैं और ताप की अत्यधिक कमी होने के कारण ये जो है ये कंप्लीट एक पुनः इनका निर्माण हो जाता है। और अगर थोड़ा से भी यहाँ पे उष्ण या फिर गर्माहट मिलती है तो धीरे धीरे ये जो है ये द्रवित या पानी में परिवर्तित होने लगते हैं और इसमें जो प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं फिर से इनमें निर्माण होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे ये मालाएं जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं वो प्रवाल भित्तियाँ जो है वो दिखाई देने लगती है। तो इसमें मैं पहले ही बताई हूँ कि पहले फ्रिंगिंग प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ, उसके बाद फिर इसी से ही तटीय प्रवाल भित्ति और अडल प्रवाल भित्तियों का निर्माण होना, कभी कभी उनसे ही इनका निर्माण हो पाता है। तो इस प्रकार से इन कोरल भित्तियों का फॉर्मेशन होता है जिसमें प्रवाल भित्ति जो है वो हमारे लिए इनका संरक्षण भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें भी जलीय एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं बहुत ही विशिष्ट प्रकार के होते हैं, विशिष्टता लिए हुए होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनका प्रवाल भित्ति के बाद आते हैं हम वेटलैंड में। वेटलैंड को हम कहते हैं आर्द्र भूमि। इस आर्द्र भूमि में जो सीजनली और परमानेंटली सैचुरेटेड विथ वाटर बॉडीज़ के द्वारा ये सैचुरेटेड रहते हैं या जलमग्न रहते हैं उसे हम वेटलैंड या आर्द्र भूमि कहते हैं। इसमें मुख्यतः सम मस्ट वेजिटेशन, फ्रॉग्स, स्नैप टर्टल्स एंड वाटर बर्ड्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जो बता रहा है कि इंडिया का वेटलैंड जो है किस प्रकार से जो एक वेटलैंड है वो कैसा दिखाई देना चाहिए, कैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेटलैंड को हम कितने क्षेत्रों में बांट सकते हैं। वेटलैंड को हम मुख्यतः तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मार्शेस। मार्शेस मतलब झाड़ी युक्त स्थल है, ये दलदली झाड़ी युक्त स्थल इस मार्शी एरिया में। इसमें मुख्यतः घास युक्त या फिर इसमें ग्रासलैंड इसमें मौजूद होता है। ये मार्शी एरिया जो होते हैं वो फ्रेश वाटर या और सॉल्ट वाटर इसमें होता है जिसमें ये ग्रासेस जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। इसमें बहुत सारे इस फ्रेश वाटर कई हर्बीवोरस प्लांट्स इनमें मौजूद होते हैं, श्रब्स मौजूद होते हैं इनमें, इन मार्शेस में। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वैम्स मीन्स है कि ऐसे स्थल जहाँ पे जो जिसे हम वन भूमि या दलदली वन भूमि फॉरेस्ट रीजन कहते हैं। ये स्लो मूविंग स्ट्रीमिंग या रिवर है जो बहुत धीमी गति से बहता है उस जगह पर ये प्रेजेंट होता है। इसमें मुख्यतः साइप्रस ट्रीज या फ्रेश वाटर
हमको ये देखने को मिलता है इस जगह पे। कुछ वुडी शर्ब्स हमको यहाँ पे मिलता है, घास और कुछ शाकीय पौधे भी इस जगह पर रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉक्स एंड फैंक्स। बॉक्स एंड फैंक्स में इसमें फ्रेश वाटर वेटलैंड है ये। इसमें फ्रेश वाटर वेटलैंड मतलब उसमें ऐसे जीव जंतु या फिर पादप पाए जाते हैं जो फ्रेश वाटर में निवास कर सकते हैं और इसमें मुख्यतः ग्रासेस मौजूद होते हैं। इनका पीएच जो होता है वो एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। वेटलैंड कमेटी इनका कंजर्वेशन हमें क्यों आवश्यकता है इसके कंजर्वेशन की। रामसर कंजर्वेशन इज़ ओनली ग्लोबल वार्मिंग ट्रेटिंग डीलिंग विथ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। मतलब क्या है, परिस्थिति की गुणवत्ता या ग्लोबल एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए इनका कंजर्वेशन ज़रूरी है। इसके बाद है इसका कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा वेटलैंड का संरक्षण एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित करना। अंतर्राष्ट्रीय इसमें क्या है, हम एक अंतर्राष्ट्रीय सूची तैयार करते हैं जो वेटलैंड को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। इसके बाद रामसर कन्वेंशन में सभी देशों के वेटलैंड पर समझौता और आपसी सूझबूझ का ये नाम है और इसके सभी सदस्य अपने देशों की सीमाओं के अंदर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण वेटलैंड की परिस्थिति की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अपने स्रोतों या आर्द्र भूमि का समुचित उपयोग करते हैं और समुचित उपयोग करने हेतु ये प्रतिबद्ध होते हैं। गवर्नमेंट दैट ज्वाइन द गवर्नमेंट एंड एक्सप्रेशन देयर विलनेस टू मेक द कमिटमेंट टू हेल्प टू रिजर्व दैट हिस्ट्री ऑफ वेटलैंड एंड डिग्रेडेशन और इसके इतिहास को बनाए रखने के लिए इनका कंजर्वेशन भी ज़रूरी है। जो रामसर कन्वेंशन जो ईरान में 1971 में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें वेटलैंड को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इनके सॉइल टोपोग्राफी क्लाइमेट हाइड्रोलॉजी वाटर केमिस्ट्री वेजिटेशन इत्यादि फैक्टर्स को देखते हुए फर्स्ट है टेडल वेटलैंड। टेडल वेटलैंड यूनाइटेड स्टेट वेटलैंड इन द यूनाइटेड स्टेट एज देयर नेम सजेस्ट आर फाउंडेड अलॉन्ग विद एटलांटिक पैसिफिक अलास्का एंड गल्फ कोस्ट स्टेट। दे आर क्लोजली लिंक टू देयर नेशन एवस्ट्रीम वेयर सी वाटर मिक्सिस विथ फ्रेश वाटर टू फॉर्म एनवायरनमेंट एंड वेरिंग सैलिनिटी। द सॉल्ट वाटर फ्लुएंस फ्लक्चुएटिंग water level due to the tidal action combined to create rather difficult environment of for most plant certain grasses grass like plant इत्यादि यहाँ पर adapt होते हैं। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के जैसे फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर मिक्स होकर इस क्षेत्र में मौजूद होते हैं। इस प्रकार के डेल्टा में बहुत से वैरायटी भी हमको देखने को मिलता है जैसे कि ग्रास लैंड है, ग्रासेस है, ग्रास प्लांट्स हैं इत्यादि हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन टिडल वेटलैंड। नॉन टिडल वेटलैंड में ये फ्लूड प्लेन्स आते हैं जो रिवर स्ट्रीम के द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है। ये लेक्स पॉन्ड्स इत्यादि मतलब ये मार्जिन के द्वारा ये घिरे हुए रहते हैं और इनमें पॉन्ड्स और लेक्स इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेटलैंड जो NWCP या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर NWCP जो है 1985-86 में ये बताया कि
कि 115 वेटलैंड जो है अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें मुख्य ऑब्जेक्टिव्स है टू ले डाउन पॉलिसी गाइडलाइन टू कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टू वेटलैंड इन द कंट्री. नेक्स्ट है टू अंडरटेक इंटेंसिव कंजर्वेशन मेजर्स इन प्रायोरिटी वेटलैंड. नेक्स्ट थर्ड है टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड टू प्रिपेयर इन्वेंटरी ऑफ इंडियन वेटलैंड. नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से मेजर वेटलैंड है. इसमें 5 मेजर वेटलैंड को इंक्लूड किया गया है. फर्स्ट है मेराइन, जिसमें कोस्टल वेटलैंड, लैगून्स, रॉकी शोर्स और कोरल रीफ्स आते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम यूस्टेरिन वेटलैंड, इसमें टिडल मार्शेस, मैंग्रोव स्वैम्प्स आते हैं. लैक्यूस्ट्रिन में आते हैं ऐसे वेटलैंड जो लेक्स वेटलैंड होते हैं. रिवरैन वेटलैंड, ऐसे वेटलैंड जो स्ट्रीम और रिवर्स इसके अंतर्गत आते हैं. पैलेस्ट्रीन मीन्स मार्शी या दलदली क्षेत्रों के वेटलैंड इसके अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं द रामसर कन्वेंशन हैज़ अडॉप्टेड द रामसर क्लासिफिकेशन वेटलैंड टाइप्स. मतलब रामसर क्लासिफिकेशन में इसमें 42 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसमें ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, जिसमें और जो 42 टाइप्स है उनको हम 3 कैटेगरीज में लेते हैं, जिसमें मेराइन और कोस्टल 3 आ जाएंगे इसमें. मेराइन वेटलैंड, कोस्टल वेटलैंड और इनलैंड वेटलैंड, और एक और आ जाता है इसमें ह्यूमन मेड वेटलैंड, जो मुख्यतः हर जगह पर जो मौजूद होते हैं. टुंड्रा हर क्षेत्रों में जो मौजूद होते हैं ये वेटलैंड, उसके आधार पर इसे प्रकारों में विभाजित किया गया है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है. वेटलैंड जो है मुख्यतः एनवायरनमेंट, एक उस जगह का क्लाइमेट, एनवायरनमेंट और पारिस्थितिकी जो होती है वो बिल्कुल भिन्न प्रकार की होती है. इसमें प्लांट्स और बहुत से एनिमल्स जो होते हैं इनके सर्वाइवल के लिए डिपेंड्स रहते हैं. दे सपोर्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस एंड इनवर्टिब्रेट्स स्पीसीज. इसमें बहुत सारे स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं. वेटलैंड जो है वो कई जेनेटिक प्लांट के स्टोर हाउसेस भी होते हैं. इसके बाद है इसमें इसका इकोसिस्टम वैल्यू जो होता है वो बहुत ही अधिक डॉक्यूमेंटेशन करने की भी आवश्यकता है और बहुत अधिक उपयोगी है. अंडरस्टैंड उसे समझने की आवश्यकता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि लार्ज एक्सपेंडिचर एंड रिस्टोर लॉस्ट डिग्रेडेड हाइड्रोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ वेटलैंड. मतलब यहाँ पर जो डिग्रेडेड होते हुए जितने भी वेटलैंड हैं उनको हमको बचाना है और उनका कंजर्वेशन करना है. इसी के साथ मैंने जितने भी पार्ट हैं वो मुख्यतः लिया है रेफरेंसेस इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट PD शर्मा रस्तोगी पब्लिकेशन और google.com या फिर इंटरनेट से. इसी के साथ थैंक यू.